आज मैं अपने लिए थोड़ा हेल्थी स्नैक बनाने जा रही हूँ। हेल्थी स्नैक बरल में लंच के तौर पर इसको इस्तेमाल करूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये है रेपसीड ऑयल। वन एंड हाफ टेबल स्पून रेपसीड ऑयल, ये मैंने 2 से 3 वो गार्लिक के जुए, अगर छोटे हैं तो 3 ले लो और बड़े हैं तो 2 ले लो। मैंने उनको छील के काट दिया है स्लाइस में। ये जो मैं आज तैयार कर रही हूँ ना, ये माशाल्लाह, ये जो लोग वेट लूज करना चाहते हैं इनके लिए बहुत ही अच्छा साबित होगा। इनका रंग थोड़ा थोड़ा चेंज हो गया, तो अब इसमें मेरे पास ये रेड प्याज था, रेड कलर वाला, तो जरूरी नहीं आप रेड ही डालें, आप वाइट ऑनियन भी डाल सकते हैं, जो भी ऑनियन आपके पास हो। छोटा सा एक मैंने इसको पतला पतला करके काटा था। ये जो मटर होते हैं उनकी फलियां हैं और कच्ची हैं, जैसे ही स्टार्टिंग में स्टार्ट होती हैं छोटी छोटी, उसमें सीड बनने के नाम के सिर्फ ये डाल दिए। और ये एक प्याली मैंने कैरेट काट के रखी हुई थी, गाजर वो डाली है। शिमला मिर्च है, निकाल देते हैं। और इसमें अब ये सब मिक्स स्पाइसी है, आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। थोड़ा सा सॉल्ट बिल्कुल थोड़ा सा जाएगा, ये नमक नमक बिल्कुल थोड़ा सा जाएगा। इसको धीमी आंच पे गलने तक रखेंगे। ब्लैक पेपर यानी काली मिर्च का पाउडर, इसी ब्लैक पेपर भी आप डाल दें। स्पाइसी वगैरह आपकी मर्जी है कि आप कितना इसमें डालते हैं, तो फिर आप इसको चाहे चावल के साथ खाएं, रोटी के साथ खाएं, ब्रेड के साथ खाएं, नान के साथ खाएं। देखो ये अपने ही पानी से ना गलता जा रहा है, मैंने कोई इसको एक्स्ट्रा पानी नहीं डाला है। ये तो मुझे लगता है गल चुकी है। हाँ ये देखिए, अभी ये कैरेट थोड़ी सी है बट बाकी गल चुकी है। ये देखें, अब
अभी इसमें एक और चीज़ भी डालनी है, ये मैंने लेमन का जो ऊपर से रगड़ा था एक रस बनाया था, लेमन का छिलका ये थोड़ा। इससे फ्लेवर बहुत चेंज हो जाएगा। और ये चिकन ब्रेस्ट पीस थी, इसको मैंने स्पाइसी लगा के ग्रिल कर लिया था, तो फिर इसको छोटा छोटा पीसों में काट लिया है। ये एक पूरे लेमन का जो रस मैंने निकाल के रखा था, चिकन पहले से कुक है तो ये सब्जियां भी माशाल्लाह गल चुकी हैं, अब सिर्फ इनको पानी सोस हो जाए तो इसको उतार दूंगी। एक बार फिर रिपीट कर देती हूँ, इसमें गाजर है, शिमला मिर्च है, मटर की रो फलियाँ हैं, कच्ची फलियाँ हैं, तो प्याज है, लहसुन है, बस इसके अलावा तो मैंने कुछ नहीं डाला, थोड़ी सी स्पाइसी डाली है वो आप वीडियो में देख सकते हैं। तैयार है, अगर आप पसंद करते हैं तो इस पे गरम मसाला वगैरह ऐड करें, पर मैं तो कुछ भी नहीं करूंगी, मुझे ये ऐसे ही पसंद है।